अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को कुकड़ पालन का एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर भी है एक मुर्गी, इतने सारे बच्चों को लिए हुए हैं और दूसरी मुर्गी यहाँ पर है। तो ये बच्चे आप लोग नोटिस कीजिए कि सब बच्चे ना एक जैसे नज़र आ रहे हैं। देखिए सारे के सारे बच्चे यहाँ पर भी हैं। ये बच्चे सिर्फ अपनी माँ को पहचान रहे हैं लेकिन मुर्गियाँ नहीं पहचान रही हैं। तो हमने ये ना चार मुर्गियों के बच्चों को हमने दो मुर्गियों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। हाँ, बच्चे अपनी माँ को पहचानते हैं, लेकिन हमने दो मुर्गियों को आज़ाद कर दिए। और ये देखिए ये लोग बड़े मज़े से इनको लेके संभाल रहे हैं, वरना अगर ये चार मुर्गियाँ होती ना तो आपस में लड़ लड़ के ये लोग और एक दूसरे बच्चों को इतना मारते हैं ना। लेकिन बच्चे सब सेम होने की वजह से बेचारी मुर्गियाँ ना पहचान नहीं पा रही हैं। तो अल्लाह का शुक्र है एक जैसे बच्चे हैं, तो यहाँ पर हमको परेशानी नहीं हो रही है, वरना चारों मुर्गियाँ आपस में लड़ लड़ के और ये बच्चों को मार मार के परेशान करते थे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी और दो मुर्गियाँ बैठी हुई हैं अंडों पर, वो जब उड़ जाएंगी तो और ये हो जाएगा। अब देखते हैं उनके बच्चे कैसे आते हैं। अगर उनके भी बच्चे इसी तरह से एक जैसे रहे ना तो एक ही मुर्गी के हवाले कर देंगे दोनों मुर्गियों के बच्चे। तो दुआ कीजिए बच्चे बेचारे माशाल्लाह बड़े हो जाएं और तंदुरुस्त रहें, क्योंकि इनका क्या बोलते, ज़्यादा बच्चे बचते नहीं हैं। कुछ ठंड की वजह से और कुछ यहाँ पर जो है मंगूस होते हैं उनकी वजह से, और कुछ ये मुर्गियाँ आपस में मार देती हैं बच्चों को, एक दूसरे के बच्चों को ना मार देती हैं। तो इसलिए हमने इनको इस बार ऐसा किया है कि दोनों मुर्गियों के हवाले कर दिया सब बच्चे। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है ना? तो फिर चलिए अल्लाह इजाज़त दीजिए मुझे, फिर मैं दूसरे मुर्गी के बच्चों के साथ में हाजिर होती हूँ। ठीक है, चलिए फिर अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारा कुकड़ पालन है, उसका शेड बाहर है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये है हमारा कुकड़ पालन। ये मुर्गियाँ यहाँ पर थोड़ी, ये कपड़ा है ना, यहाँ से ये लोग बीच में से निकल कर भाग जाते हैं। तो कुछ मुर्गियाँ भागी भी हैं और बाकी के यहाँ पर हैं। ये अंदर आने के इसमें हैं कि कब दरवाज़ा खुले और ये अंदर है। हम लोग इधर दरवाजे को ना बंद रख रहे हैं। तो ये देखिए ये जगह है माशाल्लाह से, ये इनको इनके लिए है। तो चली गई अंदर, ये अंदर जाके बस है ना अभी लड़ाई करेंगे, मुर्गी भगा देंगे। देखिए आ गए वापस। तो ये है, ये शेड है इनका बना हुआ है, ऊपर से पत्रे लगाए हुए हैं आजू बाजू से ताकि कोई आए नहीं, और फिर बची हुई जगह में कपड़ा बांधकर इनको यहाँ पर हमने शेड बनाया है। तो चलिए फिर अल्लाह हाफिज़।